गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाउ वेलकम टू द क्लास 11th। आप सबका क्लास 11th में स्वागत है। ओके, आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड। वैसे बायोलॉजी में टोटल मिलाकर आपके 22 चैप्टर्स हैं। ओके, और इन सभी 22 चैप्टर्स में से सीबीएसई ने बहुत सा पोर्शन आपके कोरोना को देखते हुए क्या कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया है। तो ये चैप्टर नंबर फर्स्ट है और फर्स्ट चैप्टर में से भी बहुत से टॉपिक जैसे म्यूजियम है, हर्बेरियम फाइल्स हैं, ऐसे बहुत से टॉपिक जो है इन्होंने डिलीट कर दिए गया है। ओके, आपके देखा जाए तो फर्स्ट चैप्टर जो फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट जिसे हम लोग बोलते हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में 3 चैप्टर्स हैं। ओके, उसी तरह स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन में आपके 3 चैप्टर्स हैं, सेल स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट में भी 3 चैप्टर्स हैं, फिजियोलॉजी ऑफ प्लांट्स में 5 चैप्टर्स हैं, और लास्ट वन जो है वह है फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन बीइंग, जिसमें ह्यूमन बीइंग की स्टडी करवाई जाएगी, जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम, ब्रीथिंग सिस्टम, फ्लूइड एक्सक्रीटरी सिस्टम, लोकोमोशन, न्यूरल और केमिकल कोऑर्डिनेशन, ऐसे करके आपके पास टोटल मिलाकर 7 चैप्टर्स हैं और टोटल जो है वो 11 टोटल 22 चैप्टर्स में आपका सिलेबस वाइंड अप हो जाता है। ओके, वैसे तो बायोलॉजी में आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि एक अच्छा सब्जेक्ट है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप इसको बहुत अच्छे से लिसन करें, कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछें, क्योंकि आप स्टार्टिंग चल रहे हैं बायोलॉजी में, तो स्टार्टिंग जब आप चलेंगे तो उस कंडीशन में आपको ढेर सारी क्वेरीज बनेगी, हम लोग सब्जेक्ट कंटिन्यू करें नहीं करें, जो भी एक्स वाई जेड। तो यहाँ पर जो है सबसे बड़ा आपको कॉन्फिडेंट होना है कि हमको इस चैप्टर को, बायोलॉजी को बहुत अच्छे से पढ़ना है, साइंस को बहुत अच्छे से पढ़ना है और आगे हम इसको कंटिन्यू करें, क्योंकि स्टार्टिंग में जब हम स्टडी करते हैं तो हमको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी लगती है। तो क्योंकि नए नए हैं आप लोग भी, 11th जो है वो 10th से टोटली डिफर होती है, वहाँ सिलेबस बहुत शॉर्ट होता है, यहाँ सिलेबस काफ़ी लेंदी है। दैट इज़ व्हाई यू हैव टू स्टार्ट, आप जो स्टार्टिंग करेंगे वह स्टार्टिंग बेसिक से करेंगे और बहुत अच्छे से बिना किसी टेंशन को आप ये स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो फर्स्ट चैप्टर जो है हम लोगों का वो है कौन सा, दैट इज़ नोन एज दी लिविंग वर्ल्ड। पहला चैप्टर हमारे कौन सा कहलाएगा, लिविंग वर्ल्ड कहलाएगा। तो लिविंग, सबसे पहले तो मैं आपको बायोलॉजी के बारे में बताऊं कि बायोलॉजी होती क्या है, बायोलॉजी। ओके, तो बायो मतलब होता है लाइफ, बायो का मतलब क्या होता है, लाइफ, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी, मतलब हम किसकी स्टडी कर रहे हैं, लिविंग वर्ल्ड की स्टडी कर रहे हैं। सो द ब्रांच ऑफ साइंस द डील विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी की जाएगी, जहाँ पर लिविंग की बात करते हैं वह क्या होगी, बायोलॉजी। ओके, आगे फ्यूचर में क्या होता है कि जब आप बायोलॉजी से हटकर आप एमबीबीएस वगैरह में जाते हैं या फिर फार्मासिस्ट में जाते हैं, तो इसको भी अलग अलग ब्रांचेस में बांट दी जाती है। यहाँ पर हम बेसिकली बायोलॉजी को, अभी आप भी 11th में हैं तो आप दो चीज़ें पढ़ेंगे, बायोलॉजी को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। पहली कैटेगरी होती है बॉटनी, कौन सी कैटेगरी होगी, बॉटनी। बॉटनी जो होती है आप इस 11th में मैक्सिमम पार्ट बॉटनी का पढ़ेंगे, बॉटनी मतलब होता है स्टडी ऑफ प्लांट, यहाँ से किसकी स्टडी की जाएगी, द स्टडी ऑफ द प्लांट, प्लांट की स्टडी जो है यहाँ पर। ओके, तो सेकंड आएगी आपकी जूलॉजी, जूलॉजी का मतलब क्या होता है, जूलॉजी, जू मतलब होता है एनिमल और लॉजी मतलब सेम स्टडी, तो स्टडी ऑफ द एनिमल्स, एनिमल्स की स्टडी को हम लोग क्या बोलेंगे, जूलॉजी। ओके, जूलॉजी में हम किसकी स्टडी करेंगे, एनिमल्स की। इसके बाद भी अगर फ्यूचर में भी बहुत सी ब्रांचें बढ़ जाती है, अगर आप सिंपल एमएससी बीएससी करते हो तो बॉटनी से, जूलॉजी से, बायोटेक्नोलॉजी से, ओके, इसके अलावा बायोजेनेटिक्स से, जेनेटिक्स से, बायोइन्फॉर्मेटिक्स से, बहुत सारी ब्रांचेज जो होती हैं हम इससे स्टडी कर पाते हैं। तो इस चैप्टर में बेसिकली अगर हम बात की जाए तो फर्स्ट चैप्टर जो आपको बनता है वो बनता है लिविंग वर्ल्ड का। ओके, लिविंग वर्ल्ड मींस क्या होता है, अगर आप जनरल से स्टडी करें तो लिविंग वर्ल्ड का मतलब होता है, यहाँ पर आप देखिएगा कि बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फ्रॉम बिगनिंग ऑफ प्रोसेस। ओके, आपकी जो लाइफ स्टार्ट हुई है वो किससे स्टार्ट हुई है, वो बायोलॉजी जो है वो एक सिंगल, आप 10th में मिलर की थ्योरी पढ़ी होगी, उस मिलर की थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारी लाइफ जो है वो वाटर से ओरिजिनेटेड हुई है, जहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले यूनिसेल ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में लाइफ को एग्जिस्ट किया था। ओके, पूरी ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिज्म्स होते हैं उन सभी की ऑर्गेनिज्म जो है वो सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं, वो एक छोटे छोटे मैटर जो होता है हमारी बॉडी का, एटम्स वगैरह, वो आपस में मिलते हैं, मिलने के बाद क्या बनाया जाएगा, कॉम्प्लेक्स थिंग्स बनाई जाएगी, जिसमें आपके आ जाएंगे प्लांट्स और एनिमल।
ओके तो हम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक पर्टिकुलर क्या होता है, फंक्शन परफॉर्म करते हैं। हम लिविंग क्यों हैं? लिविंग होने के लिए हमारी बॉडी में कुछ पर्टिकुलर फंक्शन का होना ज़रूरी है। ओके एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैविंग अ पर्टिकुलर फंक्शन। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का कुछ पर्टिकुलर फंक्शन होगा, तभी वो लिविंग वर्ल्ड में कैलकुलेट होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो कौन कौन से पर्टिकुलर फंक्शन जो होते हैं वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में होने चाहिए? पहला होता है ग्रोथ। अगर हम बात करें तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होती हैं, उन सब में क्या होना चाहिए? ग्रोथ का होना ज़रूरी है। चाहे वो साइज बड़ी हो या फिर हमारी हाइट का बढ़ना हो। इंक्रीजिंग द विड्थ एज वेल एज हाइट, दोनों चीज़ बहुत ज़्यादा। हमारी पर्टिकुलर ह्यूमन बीन में तो ऐसा होता है कि आफ्टर 18 के बाद हाइट, 18 के बाद हाइट नहीं बढ़ेगी, पर प्लांट की जो जो हाइट होती है वो टिल द लाइफ, जब तक वो जिंदा है तब तक उनमें वो बढ़ेगी। तो हम इसको स्टडी करेंगे। सेकंड चीज होती है, वो क्या होती है? दैट इज नोन एज कॉन्शियसनेस। हम बाहर के इन्वायरमेंट को देखकर क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं, करते हैं। जैसे कि अगर आपको ठंड लग रही है तो आप क्या करेंगे? ब्लैंकेट को वियर करेंगे। आपको गर्मी लग रही है तो आप एसी चलाएंगे। उसी तरह से आपको सन लग रहा है, फेस पे सन लग रहा है तो आप सनस्क्रीन लगाएंगे। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं। आपको कुछ खट्टा खा लिया है तो आप अपने फेस को चेंज करेंगे, कुछ मोशंस लाएंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या होता है, ये आती कॉन्शियसनेस में। इसके अलावा होती है रिप्रोडक्शन। अगर हम इस लाइफ में जिंदा हैं, और अगर हमको अपनी लाइफ को कंटिन्यूटी मेंटेन करना है, अपनी पॉपुलेशन को आगे की तरफ ले जाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? रिप्रोडक्शन। क्योंकि अगर हमारी बाद हमारे बच्चे, हमारा नाम लेने वाला कोई नहीं बचा, तो हमारी जो जनरेशन होगी वो क्या हो जाएगी? वैनिश हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए हमारी लाइफ को कंटिन्यूटी बनाने के लिए भी रिप्रोडक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो होता है मेटाबॉलिज्म। हमारी जो सेल होती है वो दो तरह के फंक्शन परफॉर्म करती है, एक तो कुछ बनाती है और दूसरा क्या होती है, कुछ बिगाड़ती है। तो बनाना और बिगाड़ना, ये सारी प्रोसेस जो होती हैं, ये क्या होती है? दे आर द अंडर द गवर्न मेटाबॉलिज्म। बनाने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एनाबॉलिज्म। और किसी चीज़ को तोड़ने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कैटाबॉलिज्म। तो बनना बिगड़ना, ऑल थिंग्स आर अंडर दी मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस के अंदर ये सारी चीज़ें आएंगी। सो ओके सो आई थिंक ये जो चीज़ हैं आप स्टडी करेंगे इस पूरी चैप्टर में। तो सबसे पहले अगर हम स्टडी करना चाहें तो सबसे पहले हमारे पास डार्विन पढ़ा होगा आप लोगों ने ना, डार्विन आप पढ़ के आए थे कौन सी क्लास में? 10th क्लास में आपने डार्विन को देखा होगा। तो जो डार्विन थे उन्होंने 20th सेंचुरी के अंदर उन्होंने 100 ग्रेटेस्ट जो है उन्होंने सक्सेस ऑल टाइम अचीव्ड की। मैरी जॉइन हार्वेस्ट फैकल्टी ऑफ आर्ट एंड साइंस 1953, रिटायर्ड इन 1973। तो इन्होंने जो है हर ऑर्गेनिज्म की अपने कैरियर 80 ईयर्स के कैरियर में इन्होंने अपनी रिसर्च की, उसमें इंसेक्ट की स्टडी की, टेक्सोनॉमी को देखा, जियो ज्योग्राफी को देखा, इवोल्यूशन क्या होता है, किस तरह से सिस्टमेटिकली वो जो है अपने ट्री को बढ़ाते हैं, इन सभी चीज़ों को उन्होंने बहुत माइन्यूटली क्या किया, स्टडी किया। किसके अंदर? अंडर दी बायोलॉजी। तो यहाँ पर इनको बहुत सारे प्राइज मिले। तो इसमें हम लोग देखा जाए तो मेनली ये सारी चीज़ें ना देखते हुए डायरेक्टली हम लोगों को टॉपिक पे आ जाना है। वो टॉपिक हमारा क्या है? दैट इज नोन एज दी लाइफ। वो क्या होगा? द लिविंग वर्ल्ड। हमारा लिविंग वर्ल्ड क्या होगा? तो लिविंग वर्ल्ड में हम लोग आपको बता चुके हैं कि यहाँ पर हर ऑर्गेनिज्म को, यहाँ पर वाइल्ड वैरायटी। हमारा वर्ल्ड जो है काफ़ी वंडरफुल है। यहाँ पर ढेर सारे तरह के अमेजिंग बर्ड्स ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटाट में। हर ऑर्गेनिज्म की एक पर्टिकुलर हैबिटाट होती है। कुछ कोल्ड माउंटेन में रहते हैं, कोई डाइशियस फॉरेस्ट में रहेंगे, कोई ओशंस में, कोई फ्रेश वाटर में, कोई हॉट स्प्रिंग्स में, कोई जो होती हैं जैसे लीव्स आर स्पीचलेस, जो पत्तियां बोलती नहीं। तो हम ये बोल सकते हैं कि जब इनको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में सर्वाइव करना है तो वो अपने आप को चेंज करते हैं। अगर वो चेंज नहीं हो पाते हैं तो उस कंडीशन में क्या करते हैं? माइग्रेट करते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में सर्वाइव करने के लिए क्या करेंगे? माइग्रेट करेंगे।
ओके तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो किस में आएगी, लिविंग में। तो व्हाट इज़ लिविंग? लिविंग को अगर हम देखा जाए तो लिविंग होता क्या है, तो लिविंग को हम डिफाइन करते हैं, ओके, व्हेन दैट ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट टुक दैट डिस्टिंक्टिव करेक्टरिस्टिक एग्जिबिट बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा वो पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक शो किया जाए, कोई पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक शो करते हैं तो वो क्या कहलाती है, लाइफ। क्या पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक? ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस टूवर्ड एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के प्रति सेंस। अगर आप में ग्रोथ हो रही है, आपका रिप्रोडक्शन हो रहा है, आप उस एनवायरमेंट में क्या कर पा रहे हैं, सेंस कर पा रहे हैं, और आप उस एनवायरमेंट में सुटेबल रिस्पॉन्स कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भाई आपको किसी ने थप्पड़ मार दिया तो आपने उसको कोई रिएक्ट नहीं किया, आप कॉन्शियसनेस नहीं हो सकते, ओके, आपको ब्रेन उस समय काम करेगा। आपको ठंड लग रही है तो आप ब्लैंकेट, ऐसा नहीं है कि ठंड अपने आप को मॉडर्न बताने के लिए आपने कुछ ब्लैंकेट या फिर स्वेटर्स या जो भी एक्स वाई जेड आप वियर करते हैं वो वियर नहीं किया हो। आपको उसके पर्टिकुलर थिंग्स के अकॉर्डिंग अपने आप को मेंटेन करना पड़ेगा, ओके। सो फ्यू ऑफ द मोर फीचर, कुछ और फीचर भी हमारी बॉडी में, जैसे मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेल्फ रिप्लीकेट। सेल्फ रिप्लीकेट मतलब क्या होता है, अपने आप को उस एनवायरनमेंट में बदलना। जैसे डीएनए, अभी आप लोगों ने क्या देख रहे हैं भैया, अभी सबसे बड़ी डिसीज है वो है कोविड-19, ओके। कोविड-19 मार्च से पहले भी इंडिया, मार्च में आपके स्कूल बंद हो गए थे उस समय ये डिसीज आ गई थी इंडिया में, तो यहाँ जनवरी में आ चुकी थी वैसे तो ये। पर ये इसका क्या नेचर होता है कि वायरस जो होते हैं वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। ये क्या करते हैं कि भैया हमारी बॉडी में जाने के बाद हमारे डीएनए के साथ मैशअप कर लेते हैं। सेल्फ रिप्लिकेटिंग कैपेसिटी होती है इनमें, ओके। तो हमें भी क्या होना चाहिए कि इन्वायरमेंट को देखते हुए सेल्फ रिप्लिकेटिंग कैपेसिटी होना ज़रूरी है। अगर हम इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं ढलेंगे तो ये इन्वायरमेंट हमको एक दिन बाहर निकाल कर फेंक देगा, या हम उसमें सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ओके। उसके बाद है सेल्फ ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विथ इमरजेंट फॉर लस्ट। हम इस इन्वायरमेंट में रहते हुए अपने आप को चेंज करेंगे, और चेंज करने पर हम लोगों में वेरियस टाइप ऑफ एबिलिटीज आप में देखने को मिलेगी, ओके। तो हम ये बोल रहे हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कुछ न कुछ चेंजेस देखने को मिलना ज़रूरी है, क्योंकि ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, वो कुछ ना कुछ चेंजेस शो करेंगे। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो। अब पहली चीज आती है ग्रोथ। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो दो चीज़ों से ग्रोथ करते हैं। पहली चीज होगी इंक्रीजिंग द मास, उसके मास में चेंज होना। फर्स्ट टॉपिक हम लोग क्या देखेंगे भैया, ग्रोथ। पहली चीज होगी आपकी ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब होता है कि वो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनमें उसका मास बढ़ना, ओके। आप छोटे होते हैं आपकी बॉडी में मसल्स कम होती हैं, आप जैसे 12th के बाद जाते हैं मेच्योरिटी बढ़ती है तो आपकी बॉडी में मसल्स का डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाता है, आपकी हाइट बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। तो इंक्रीजिंग मास एंड इंक्रीजिंग नंबर ऑफ सेल, आपकी बॉडी में क्या बढ़ रही है, आपकी बॉडी में एक्चुअली सेल बढ़ रही है। तो जब सेल बढ़ेगी तो आपका क्या होगा, ग्रोथ होगा। जितने भी मल्टी सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें दो तरह के डिविजन होते हैं। हम 10th क्लास में मैंने आपको पढ़ाया भी था कि हमारी बॉडी में दो तरह के डिविजन होगा। पहला होगा माइटोसिस, पहला डिवीज़न कौन सा होगा, माइटोसिस। माइटोसिस जो है हमारी पूरी बॉडी की सेल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। एक सेल जो होती है वो दो सेल में डिवाइड हो जाती है, ओके, इसे हम लोग बोलते हैं माइटोसिस, ओके। तो यहाँ पर एक सेल जो है वो दो सेल में इजीली क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, ओके। नेक्स्ट वन है, तो नेक्स्ट वन है वो होता है मियोसिस, ओके। जो मियोसिस की बात करें हम लोग, तो जो मियोसिस होता है वह मियोसिस के अंदर क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन मतलब एक सेल जो है वह 2n वाली सेल जो होती है वो n में डिवाइड हो जाती है, ओके। एन एन बन जाएगी, ये सेल जो होती है सिर्फ रिप्रोडक्टिव, हमारे टेस्टिस और ओवरी जो होती हैं उसके अंदर, इससे हमारी ग्रोथ नहीं होगी। सिर्फ माइटोसिस जो होता है उसके अंदर जब डिवीजन होता है तो ही क्या होगा, हमारी बॉडी में ग्रोथ होगी। तो ग्रोथ जितने भी मल्टी सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें थ्रू आउट द लाइफ कंटिन्यू सेल का डिवाइड होते रहता है। जरूरी नहीं कि हाइट बढ़ना, इसके अलावा हमारा टिश्यू रिपेयर होता है, हमारी स्किन रिपेयर होती है, तो वहाँ पर भी डिवीजन की ज़रूरत पड़ती है। प्लांट्स में
ये जो होती है एक पर्टिकुलर लिमिट नहीं होती है, इनका डिवीजन कंटिन्यूस चलता रहता है। रिप्लेसमेंट हमेशा क्या होगा, पुरानी सेल से नई सेल का बनना चलता रहता है, इट इज ग्रोथ। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आती है रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस, रिप्रोडक्शन इज प्रोसेस। आप इसमें देखेंगे कि जो रिप्रोडक्शन होता है वह रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कोई भी सिंगल यूनिसेल ऑर्गेनिज्म जो है वह भी डिवाइड होता है। सो रिप्रोडक्शन आर द मल्टी एक्सेसी इवेंट मस्ट बी दैट इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सेल इन इन ग्रोथ। हमारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन लिविंग ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ करना, एक सेल से दूसरी सेल में ट्रांसफर होना, ये भी आप पढ़ चुके हैं कि जो रिप्रोडक्शन होता है वो दो टाइप से होता है। रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस टू रिप्रोड्यूस द ओन काइंड ऑफ सेल, अपनी ही जैसे किसी और सेल को बनाने की प्रोसेस क्या कहलाती है, रिप्रोडक्शन कहलाती है। तो यहाँ पर रिप्रोडक्शन भी दो तरह का होगा। फर्स्ट रिप्रोडक्शन होगा कौन सा आपका, असेक्सुअल, पहला कौन सा होगा असेक्सुअल, और सेकंड कौन सा होगा सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में जितने भी यूनिसेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपनी ही तरह के सेल का प्रोडक्शन करते हैं सिंगल। यहाँ पर डीएनए एज इट इज ट्रांसफर होता है, जबकि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर दो मेल और फीमेल जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं रिप्रोडक्शन में। रिप्रोडक्शन का बेसिक टर्म क्या है, ये जो होता है इसका जितने भी यूनिसेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपनी लाइफ को मेंटेन करते हैं, अपनी लाइफ की कंटिन्यूटी को मेंटेन करते हैं, दैट इज वाई रिप्रोडक्शन इज मस्ट नेसेसरी। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो यूनिसेल ऑर्गेनिज्म हुआ, फंगस जो होता है वो स्पोर फॉर्मेशन करता है, हाइड्रा बडिंग करता है, अमीबा बाइनरी फिजन करता है, तो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं अपनी लाइफ की कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्शन करते हैं। आज के लिए इतना ही, आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर पसंद आया है तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। और इसके नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।